आज हम लोग ये पुस्तक देखेंगे, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ये कक्षा 7 की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। ये पाठ 3 सल्तनत का विस्तार, यानी आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न को हल करवाएंगे, जिससे कि हमें अभ्यास प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। और हम इसके पहले वाले वीडियो में, यानी पार्ट 2 में, हमने देखा था गुलाम वंश को हम तुर्क वंश भी कहते हैं। और गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा है। और इसमें सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बने। ये 1206 से 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए, इन्होंने 1210 से 1236 तक शासन किया। इसके बाद रजिया सुल्तान जो है आई, इसलिए जो है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। और इसके बाद है नासिरुद्दीन महमूद, इनका शासन काल जो है 1246 से 1265 ईस्वी तक रहा। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो है गयासुद्दीन बलबन, इनका शासन काल जो है 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा। तो अब हम इसी के आगे पढ़ेंगे आज खिलजी वंश। ये पाठ 3 है, सल्तनत का विस्तार, यानी खिलजी वंश। और खिलजी वंश कब से कब तक चला था? 1290 से 1320 ईस्वी तक। अब इसमें बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी, यानी खलजी इसको बोलते थे, सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खिलजी यानी खल्जी कहलाए। यानी खिलजी इनका नाम कैसे पड़ा था, तो ये इसमें बताया गया है कि जलालुद्दीन फिरोज जो है खिलजी के पूर्वज जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे वो अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। यानी जहाँ से आए थे इनका उस स्थान का नाम क्या था? खल्ज था। और अफगानों की भाषा में खल्ज किसको कहा जाता था? गर्म प्रदेश को कहा जाता था। यानी गर्म प्रदेश में रहने वाले को खल्ज कहा जाता था, इसलिए इन्हें खिलजी कहा गया और खिलजी को हम खल्जी भी कह सकते हैं। तो ये हम समझ लेते हैं कि जो खिलजी वंश का नाम खिलजी क्यों पड़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विषय में। इनका शासनकाल जो है 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। सबसे पहला प्रश्न यहीं पर बनता है कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश था। वह एक उदार सहिष्णु शासक था। यानी कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन को कड़ा, यानी कौसाम्बी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है कड़ा, एवं अवध का इक्तादार तथा रक्षा मंत्री था। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहाँ उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला, यानी विजय के साथ साथ जो है बहुत सारा धन भी उसे मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा, यानी कौसाम्बी उत्तर प्रदेश की ओर चल पड़ा। और कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। यानी उसके भतीजे किसकी, उसकी जो हत्या किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन के द्वारा कर दी गई। अब जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। यानी जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब आगे आता है अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल कब से कब तक चला? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक चला था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली के तख्त पर ये बैठे थे। और वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ भी था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था।
अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य और सुनियोजित योजना बनाकर किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार एवं सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया। यानी जो जलालुद्दीन खिलजी के जो नियम थे वो उदार थे और सहिष्णु थे, तो उनको हटा करके उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नियम लागू किए और उन्होंने कठोर नियम बनाए। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। यानी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब आगे बात आती है प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव कैसे हुआ। तो अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरुओं यानी उलेमा जिसे कहते हैं का दखल पसंद नहीं था, इसीलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। अब सैनिक सुधार क्या क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया। उसकी सेना में 475,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलिया पर पूरा विवरण रखा जाता था, यानी कि सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया और पुराने किलों की मरम्मत कराई। इन किलों की रसद आपूर्ति की भी व्यवस्था की गई। आगे आता है राज्य विस्तार। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना यानी जिसको वारंगल कहते हैं, और होशल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे और उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अब आगे आता है कि अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण उसने कैसे किया। अब है अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों से में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र और विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों को दावतों, मदिरापान और गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। यानी जो अमीरों की दावतें होती थी, मदिरापान या गोष्ठियाँ जो भी आयोजन होता था, उन पर नियंत्रण लागू कर दिया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर जो है सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरकार और अमीर भयभीत रहते थे सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। अब आगे आता है कि मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलवन की भांति पुराने किलों की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों से उसने योग्य और कुशल सेना रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकती थी। अब आता है इनकी कृषि नीति कैसी थी। अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति कैसी थी तो इसको देखते हैं। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरुआत की, जो कि अभी तक के बिस्वा में नापने की प्रथा चल रही है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिस्वा नापने की शुरुआत किसने की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
खराज यानी लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाने लगा, ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। यानी खाद्यान्न की नगरों में खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए उसने पैसा नहीं लिया बल्कि कर के रूप में लगान के रूप में खाद्यान्न यानी अनाज लिया जाता था उस समय। अब आता है बाजार नियंत्रण की पद्धति क्या थी अलाउद्दीन खिलजी की, इसको देखेंगे। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था, अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि बाजार नियंत्रण किसने लागू किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। अब बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए, जिनका प्रमुख सहना यानी अधीक्षक कहलाता था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भाव और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। यहीं से कंपटीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब आगे आता है कि वर्तमान समय में मूल्य नियंत्रण एवं बाजार प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है, ये उस समय की व्यवस्था से कितनी भिन्न है और कितना समान है, ये इसकी तुलनात्मक इसका अध्ययन करना है। अब इसके बाद आगे आता है कि साहित्य व कला का विकास कैसे हुआ। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बरनी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों तथा कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब उन्हीं की कुछ पहेलियाँ इसमें दी गई है। एक पहेली दी गई है ये कि एक गुड़ी ने यह गुण कीना, हरियल पिजड़े में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकाला निकला लाल। ये क्या है, ये पान है। यानी पान खाने के बाद आप मुंह जो है लाल हो जाता है, तो यानी मुंह में हमने जो है हरा हरा पान खाया और उसमें से उसका जादू करके वो लाल हो गया। ये ऐसा एक पहेली इसमें दी गई है। अब आगे इसमें एक चित्र दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया, जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। उसने दिल्ली में हजार खंभा महल का भी निर्माण कराया। यहीं से प्रश्न आता है कि हजार खंभा महल का निर्माण किसने कराया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे एक और उनकी मीनार दी गई है, यानी कि अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुतबत उस इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाजा बनवाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यानी कि अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट, यानी कहाँ पर करवाया था, कुतुब मीनार के निकट दिल्ली में करवाया था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के एक प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण, अलाई दरवाजा बनवाया था। अब इसके बाद हम थोड़ा सा शार्ट में देख लेते हैं कि खिलजी वंश में कौन कौन से शासक कितने साल तक शासन किया, कितने वर्षों तक शासन किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि खिलजी वंश कितने वर्ष तक रहा, यानी 30 वर्षों तक इनका शासन काल जो है 1290 से 1320 तक खिलजी वंश था। ये 30 वर्षों का कुल शासन था खिलजी वंश का। अब इसमें सबसे पहले शासक जो है ये थे जलालुद्दीन खिलजी। इनका शासन काल 1290 से 1296 ईस्वी तक इन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, ये 1296 से 1316 तक ईस्वी तक शासन किया। इनका शासन काल जो है 20 वर्षों तक किया, इन्होंने बहुत लंबा शासन किया। फिर आगे आते हैं मुबारक शाह, ये जो है खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुबारक शाह था, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इन्होंने 1316 से 1320 ईस्वी में शासन किया और इनका शासन काल जो है 4 वर्ष का रहा।
अब इसमें कुछ हम ऐतिहासिक शब्दावली देखेंगे। उलेमा, उलेमा क्या होते थे? ये धर्मगुरु या धर्माधिकारी, आलिम अथवा शिक्षित का बहुवचन है। खराज यानी लगान क्या होता था? भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला ये कर था, यानी टैक्स कह सकते हैं। आजकल इसको टैक्स कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में टैक्स है और हिंदी में कर है। घोड़ों पर दाग, घोड़ों की संख्या एवं इनकी पहचान के लिए उनके पीठ पर दाग लगाने की परंपरा थी। इसके बाद हुलिया है, किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा यानी विवरण। रसद क्या होता था? ये भोजन सामग्री होता था। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आएंगे। तो अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इसका उत्तर है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी बना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? तो अभी हम लोगों ने इसको पाठ में पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, कामाधार तथा चंदेरी राज्यों को जीता, राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अलावा उसने दक्षिण भारत में देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होसल राज्यों पर विजय प्राप्त किया। अब अगला प्रश्न इसमें है कि सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया? तो इसका उत्तर है कि सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित उपाय किए। पहला है कि सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की। और दूसरा है कि सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। और तीसरा है कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। तीसरा और चौथा है इसमें, यहाँ पे नंबर चार है, ये पाँच है, ये छः है। तो नंबर चार है घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। और नंबर पाँच है कि अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण करवाया। और इसके बाद नंबर छः है कि पुराने किलों की मरम्मत करवाई और इन किलों को रसद आपूर्ति की भी व्यवस्था की। अब अगला प्रश्न इसमें दिया गया है घा, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए? तो इसका उत्तर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य इसलिए निश्चित कर दिए जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। इसके बाद अंतिम प्रश्न इसमें दिया गया है अंगा, अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? इसका उत्तर हम टेक्स्ट बुक पर पेज संख्या 30 पे देखेंगे। इसमें इसका उत्तर हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इसको अपने शब्दों में इसका उत्तर हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती, यानी लगाव एक दूसरे में हो जाता है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र और विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र भी रखते थे। इन प्रतिबंधों में से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। अब अगला प्रश्न इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 6 कि सही कथन के सामने सही और गलत के सामने सही का निशान तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला कथन दिया गया है कि खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, ये सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद खा आता है कि मलिक काफूर अलाउद्दीन को सेनापति, यानी मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, ये भी सही है, इसमें सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि खराज यानी लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था, ये भी सही है। फिर आगे आता है घा, अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था, ये गलत है। अब इसके बाद हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है का, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद खाता है मलिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों यानी देवगिरी, तेलंगाना, होसल पर विजय प्राप्त की। इसके बाद घ आता है अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया। इसके बाद घ आता है अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।